ओके तो शुरू करते हैं आज के सेशन में। हम लोग कर रहे हैं जून 2012 का मैकेनिक्स का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र सेट में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन में डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए आप लोग, जो क्वेश्चन नंबर 73 है ऑप्शन भी वही है ए टू जेड। एक क्वेश्चन कहां से उठा के दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ है सीएसआईआर नेट जून 2012 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है वाला, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो हम जस्ट इसी पे फोकस कर रहे हैं। ओके तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग रिकॉल करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, हमारे पास था कि पी डॉट इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेल एच अपन में डेल क्यू एंड क्यू डॉट होता है डेल एच अपन में डेल पी, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करेंगे और इसी के बेस बता देंगे, तो यही से देख लेते हैं। ये आपका एच दिया हुआ है तो इसका P के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो P के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा सिंपली Q हो जाएगा, दैट इज इसको सोल्व करिए तो Q डॉट इक्वल टू Q हो गया, दैट इज ऑन सॉल्विंग इट विल गिव Q इक्वल टू e टू द पावर t, ठीक है ओके। और यहाँ पे t टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, t टेंस टू इन्फिनिटी तो एट t टेंस टू इन्फिनिटी Q क्या दे देगा, ये ऑल्सो इन्फिनिटी पे जाएगा तो Q इन्फिनिटी पे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन ए और सी बचा, ऑप्शन ए और सी के लिए देखते हैं, पी को सॉल्व करना होगा तो पी डॉट आपका क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस टाइम्स डेल एच अपन में डेल क्यू, डेल क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल क्यू हो जाएगा पी माइनस टू क्यू, ओके दैट इज पी डॉट प्लस पी इक्वल टू टू क्यू, और क्यू हमारा निकला था क्या था ई टू टी, तो यहां से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं टू e के पावर t, ओके तो इसको देखते हैं तो यहां से हो गया p डॉट प्लस p इक्वल टू टू ई टू टी, तो यहां से दो निकलेगा, एक कंप्लीमेंट्री फंक्शन एक पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमें कैसे निकलेगा, p डॉट प्लस p इक्वल टू जीरो रख के सोल्व करेंगे तो यहां से p इक्वल टू हो जाएगा e के पावर माइनस t, ओके अब हमें निकालना है पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 2e के पावर t अपन में d मान लें तो d प्लस 1, ओके और इसके लिए ओके तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ था कि d को अगर रिकॉल करिए आप लोग कि अगर 1 अपन में f d होता है e के पावर अल्फा t, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 1 अपन में f अल्फा इंटू e टू अल्फा t, ये होता है तो यहां से क्या हो जाएगा d की जगह आप 1 रख देंगे, अल्फा का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा 2 बाई 2 ई टू टी दैट इज ई टू टी, ओके तो यहां से अब आपका निकल जाएगा p, p क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन फंक्शन प्लस में पार्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज e के पावर माइनस t प्लस e के पावर t, ओके और t टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, जब t टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो देखिए ये वाला पोर्शन आपका इन्फिनिटी पे जाएगा और ये जीरो पे जाएगा दैट इज p टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ओके तो इस तरह हमारा क्या होगा एट टी टेंस टू इन्फिनिटी क्यू गोज टू इन्फिनिटी एंड पी गोज टू इन्फिनिटी दैट इज ऑप्शन ए विल बी ट्रू, ओके तो होपफुली आप समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बहुत इजी, तो बस आपको कुछ फॉर्मूले रिकॉल करना है, फॉर्मूले जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, बस ये दो दो तीन तीन फॉर्मूला सब ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला देखिए डायरेक्टली हिट करिए, ओके तो थैंक यू।